अमेरिका के बाउल्टन में उस समय हड़कंप मच गया जब एक संदिग्ध आरोपी ने सुपरमार्केट में अंधाधुंध गोलियां बरसाई। बताया जा रहा है कि कोलोराडो के किंग सुपरमार्केट में हुई घटना में 10 लोगों की मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस अभी मामले की जांच कर रही है, इसमें एक पुलिस ऑफिसर भी शामिल है। वहीं पुलिस ने मामले में एक संदिग्ध को हिरासत में ले लिया है, उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। बाउल्टन पुलिस कमांडर कैरी यामागुची ने बताया कि एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ जारी है। शूटिंग में कितने लोगों की जान गई है इसका खुलासा अब तक नहीं किया गया है। यहां आपको यह भी बता दें कि पुलिस एक शर्टलेस घायल व्यक्ति को हथकड़ी पहनाकर स्टोर से बाहर लेकर आई है। हालांकि उन्होंने इसकी पुष्टि नहीं की है कि उसी ने गोलीबारी की है। इधर बाउल्टन के अटॉर्नी जनरल माइकल डॉगर्टी ने बताया कि प्रशासन को मरने वालों के आंकड़ों का अंदाजा है। हम संख्या का इसलिए खुलासा नहीं कर रहे क्योंकि हम पहले उनके परिवार का पता लगाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है, फायरिंग के पीछे के मकसद का अब तक पता नहीं लग सका है। वहीं घटना के दौरान स्टोर से बाहर एक व्यक्ति डीन शीलर ने बताया कि बाहर आते वक्त उसने गोलियों की आवाज सुनी और देखा कि कुछ लोग जमीन पर पड़े हुए हैं, उनमें से दो पार्किंग लॉट में और एक डोरवे के पास था। बताते चले कि इस दौरान 3 हेलीकॉप्टर से इलाके की निगरानी की जा रही है। जांच के बाद पूरी जानकारी मिलने की बात भी कही जा रही है। हम आपको बता दें कि करीब 3 साल पहले कोलोराडो में ही हुई फायरिंग में 3 लोगों की मौत हुई थी जबकि एक महिला जख्मी हुई थी। ब्रेकिंग न्यूज रासबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।